लोरेंस ने कभी अखबार के लिए पैसा खर्चा नहीं किया और आज तक ये किसी की पकड़ में भी नहीं आया। वो मकान का किराया नहीं देता, रोज छिपकर अपने घर में घुस जाता है। सुबह जब भूख लगती है तो किसी भी होटल में चला जाता है। चुपचाप किसी के भरे कप को खाली कप से बदल दिया, इसकी कॉफी का इंतजाम हो गया। एक समोसा वहां से गुजर रहा था, समोसा उठाकर खाने लगा, लेकिन समोसे के साथ थोड़ी चटनी हो जाए तो क्या बात। खाने पीने के बाद लोगों के छोड़े हुए टिप के पैसे उठाकर काउंटर पर डालकर ऐसे दिखाता है जैसे ये टिप देने वाला कोई बड़ा अमीर बंदा हो। लोरेंस सुपरमार्केट जाता है, वो चोरी से कुछ टूथब्रश उठाता है, उन्हें सफाई से किसी और के बैग में डाल देता है। वो एक गुड़िया उठाता है, उसे बच्चे के प्रेम में छुपा देता है। अब एक छोटा सा जूता उठाया और उसे दादू के जेब में डाल दिया और आखिरी में एक हेयर पिन इस सेल्स गर्ल के बालों में लगा देता है। उसने सुपरमार्केट से उठाकर एक ओवरकोट पहन लिया और उसे चोरी के सामान से ओवरलोड कर लिया। अब चेकआउट काउंटर पर जैसे ही औरत बच्चे को लेकर निकलती है, अलार्म बजता है। दादू बाहर जाते हैं तो अलार्म बजने लगता है। सेल्स गर्ल देखने आई तो भी अलार्म बजना शुरू। वो सोचती है कि मैंने तो कुछ लिया ही नहीं। वो फोन करके मैनेजर को बताती है। अब ये माना जाता है कि अलार्म खराब हो गया है। वो बोली ठीक है, जाने दो सबको। और इस तरह लोरेंस सिर्फ च्युइंग गम के पैसे देकर निकल गया।